शिमारू कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बीड़ी पीगा? नहीं भाई। तू सिगरेट पीता है ना? बहुत माल है तेरे पास। नहीं नहीं भाई। अब तक क्यों नहीं भेजा रहे? धंधा बिल्कुल डाउन है भाई। मशीन रखे लगे छापने के लिए? असलम भाई को जो राग पट्टी देता है ना, उसको असलम भाई मलम पट्टी दे देती है। क्या बोल रहे? असलम भाई को चाय दे। वाह भाई, क्या पंच मारा आपने! ऐसा ही पंच बड़े पर्दे पर दिख जाए ना, तो शाहरुख और सलमान की तो छुट्टी। ओ, आ, ये हाथ है क्या थोड़ा भाई? एक चाय बोल रहे इसको दे। मार के बेटा। एक चाय और दे। क्या बोल रहे तू? भाई वो कुछ जरूरत थी अपने को। शाहरुख के बारे में क्या बोल रहा था? हाँ, वो मैं कह रहा था कि आप रियल लाइफ में ऐसा फाइट करते हो कि फिल्म का हीरो क्या करेगा। मतलब आप तो सुपर एक्शन स्टार भाई। नहीं यार। आप हंस रहे? मैं सच कह रहा भाई, आपने ऐसा पंच मारा कि अक्षय कुमार भी हिल जावे। चढ़ा तो नहीं रहे मेरे को? बस क्या भाई, कुछ काम से आया? हाँ भाई, वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने। दो या चार? चार। कब तक वापस चढ़ाएगा? यूं ही, यही 4-5 दिन में। चार या पांच? पांच। ए, इसको 4 हजार दे रहे? हाँ भाई। अच्छा, ले ले। खुदा हाफिज भाई। अच्छा असलम भाई, अब काय को इस फिल्म लाइन के चक्कर में पड़े ला? पूछूंगा तो बोलने का, समझा बेटे को? गलती होगी असलम भाई, गलती होगी। कह रहे मैं फिल्म लाइन में चलूंगा कि नहीं? दौड़ेंगे भाई, दौड़ेंगे, है ना? अरे ट्राई करने में क्या जाता ना यार। चलेगा भाई, चलेगा, चलेगा भाई, है ना? चलेगा, मालिक का नाम लेकर शुरू हो जाने का। रास्ता भी चेंज कर लेना चाहिए कभी कभी, है कि नहीं? बिल्कुल बराबर। समझता नहीं येड़ा? भाई गलती हो गई मेरे से। नहीं भाई, मेरे से। अरे नहीं, गलती अपुन से हुई है। तेरे को प्यार से बोला, तू समझा नहीं, सर पे चढ़ा। उतारना तो पड़ेगा, है ना? क्या ए हीरो? असलम भाई, आप यहाँ? मैं तो आप ही को ढूंढ रहा था। आई को राहुल ने आपको वो पेपर नहीं दिया? कौन सा? अरे आज का। क्या है उसमें? एडवर्टाइजमेंट। बोले तो सुभाष घाई अपनी नई फिल्म स्टार्ट कर रहा है। तो सुभाष घाई अपनी नई फिल्म के लिए नए हीरो को ढूंढ रहा है, तो मैंने सोचा आप क्यों नहीं ट्राई कर लेते। अरे यार, वो अपने को कहाँ हीरो लेगा यार। जैकी श्रॉफ भी यही बोलता था, सुभाष घाई ने उसको देखा और हीरो फिल्म का हीरो बना दिया। आज देखो कहाँ है। मैं पेपर लेकर आता हूँ। तेरे को क्या लगता है, सुभाष मेरे को चैलेंज देगा? ऑफ कोर्स भाई, 100%। तू मेरे को पैसा कभी देगा? कल, 100%। सुभाष का ऑफिस किधर है? बेंड्रा। कितना परसेंट? बस क्या भाई, 100%। क्या डिपार्टमेंट था? हेलो हेलो, ये क्या है? भाई आया है। भाई? अरे मेरा भाई तो मर के 5 साल हो गया। ये चश्मेश, असलम भाई आया है।
चल गणपति का चंदा निकाल। असलम भाई और गणपति का चंदा? हाँ, चंदे में और धंधे में असलम भाई के लिए सब धर्म समान है क्या? हाँ। लेकिन असलम भाई, मेरा भाई मर जाके 5 साल हो गया, जब से मैं गणेश नहीं मना रहा हूँ। तेरा भाई मरेगा तो भगवान को छोड़ देगा? अबे इंसान भगवान को छोड़ता है लेकिन भगवान इंसान को छोड़ता नहीं, और असलम भाई कभी नहीं छोड़ता है। चंदा दे चल। लेकिन ये अपना आदमी है, इसको बोल इज्जत से जरा चंदा दे दे। चंदा नहीं दिया भाई को? चल फोटे से फोट, चल फोट। अरे भाई 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 अरे सुभाष कहने क्या बोला? क्या बोलेगा, वो तो ऋतु को लेगा बेटा। यार सुभाष कहने बोला वो क्या बोलेगा यार, उसका ऑफिस बॉय बोल रहा था। तो यश चोपड़ा से मिलो ना। अरे वो अपन कहाँ लेगा यार, वहां तो शाहरुख बैठा है ना। है नहीं था, मोहब्बत के बाद दोनों के बीच में नफरतें शुरू हो गई। बोले तो शाहरुख आउट, ऋतिक बिजी, खाली कौन? मैं भी वही बोल रहा हूँ। असलम भाई मेरे को तो आजकल पोस्टर भी दिख रहा है। अरे यार यश चोपड़ा पेश करते हैं, असलम भाई दुल्हनिया ले जाएंगे। तुझे देखा तो ये जाना सनम। अबे दबाओ जोर से, साले खाना नहीं खाते क्या? असलम भाई ये रहा आज का कलेक्शन। हाँ तो पेटी में डालना। असलम भाई वो बैंगनवाड़ी का ज्वेलर सेट है ना, उसने आज का हफ्ता नहीं दिया। दो छोकरे बैठ के गला उठा के ला, उठा के ला उसको। ठीक है भाई। भाई अली लाला है। सलाम अलैकुम असलम भाई। कह रहे तेरे को बुलाना पड़ता है क्या? मैं वो पिक्चर देखने गया था ना, शक्ति। तो अमिताभ बच्चन को देखा, आपकी बहुत याद आए भाई। क्या काम किया उसने पिक्चर में, फर्स्ट क्लास। वो क्या काम किया, यूसुफ ने उसको खुला खा लिया। यूसुफ भाई ये कौन सा भाई? अरे दिलीप कुमार यार, कच्चा खा गया लंबू को। हाँ बराबर बोला भाई। अरे दिलीप कुमार के सामने तो अमिताभ बच्चन था ही नहीं, नजर ही नहीं आया। ऐसी बात भी नहीं है यार, अमिताभ बच्चन भी अच्छा एक्टर है। लावारी शराबी दीवार में उसने भी सॉलिड काम किए ले, उसके टक्कर का कोई है भी नहीं आज। हाँ भाई। नहीं नहीं है ना भाई? कौन है? आप हो ना भाई? क्या बात कर रहे हैं, मैं और एक्टिंग। एक प्लेट कबाब ला रहे भाई? सच बोल रहा हूँ मैं, आप फर्स्ट क्लास एक्टर हो। अरे छोड़ना यार, मेरी एक्टिंग कौन देखेगा यार। कैसी बातें कर रहे भाई, हम लोग है ना, हम लोग देखेंगे ना। आप थोड़ा दिखाई ना भाई, थोड़ा। अरे हल्का सा प्लीज भाई, थोड़ा सा। अरे क्या बात कर रहे, प्लीज भाई, भाई प्लीज थोड़ा दिखाओ। हाँ चलो मुंडी और घुमाओ, चलो। ए मुंडी पलटेगा दुपट्टा डालूंगा तुम्हारी। क्या है, एक्टिंग कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, यहाँ से आता है। अभी ले ले हीरो, खुशी में उसकी एक्टिंग अलग होती है, रोमांटिक लड़की के साथ। विलन, ए अबे चाटा है पकड़ लिया, घुपत घुपत, ये घुटना ये टक्कर तेरी तो यार। हीरोइन को लिया चला गया, फिर इमोशन एक ही बात है, मतलब मां मर रही बेटा रो रहा है। मां मत मुझे छोड़ के, मत। आंसू आ रहे ला? अभी आएगा। माँ अरे तूने मुझे जन्म दिया है, माँ अकेला छोड़ के जाएगी मुझे। आ गया दिख, पैर अभी आएगा। माँ अरे नो, मैंने पेट में तुझे मुझे रखी, नो मैंने, और छोड़ क्यों मुझे। इतिक आ रहा ना मच्छा बम मच्छा। इतिक आ गया, ज्यादा सुनी है नीचे, फिर और एक्टिंग हो जाएगी। बरोबर। वाह तो कौन है? कपूर, आज कपूर, राज कपूर। वो तो थे कल, आज कपूर। वैसे लोग मुझे नहीं जानते, मैंने जिन लोगों को बनाया लोग उन्हें जानते हैं। गोविंदा को विरार से कॉल लाया, सुनील शेट्टी को उड़ीपी से कॉल लाया, अक्षय को बैंकॉक से कॉल लाया,
फरदीन खान को कौन लाया जू से जंगल तक? मैं? आज आज कपूर ने आपको देखा, कल सारी दुनिया देखेगी। कल महबूब स्टूडियो आके मिलना, लाइफ बना दूंगा। कल मैं पिया है, लेकिन पी के नहीं बोल रहा हूं। ये भाई सुने, एक चीज समझ में नहीं आती, तू इतना बड़ा आदमी है तो ऐसी जगह क्या कर रहा है? हीरा कहाँ मिलता है? हाँ, कोयले की खान में। ऐसा हीरा ढूंढने के लिए ऐसी जगह आना पड़ता है। हीरो बनने के दो तरीके, टेंग 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 टेंग, जूनियर आर्टिस्ट, छोटे मोटे रोल, फिर हीरो, मिथुन चक्रवर्ती। या फिर डायरेक्ट स्टार, कहो ना प्यार है, ऋतिक रोशन। अब क्या करने का तुम ही सोचो। क्या ऋतिक रोशन? हाँ, तो 25-30 लाख रुपए लगाओ और खुद का पिक्चर निकालो। इतने में हो जाता है? बाकी का पैसा भाई से ले लेगा ना। भाई कौन? अरे अपने जामू भाई, आधी से ज्यादा हिंदी फिल्मों में उनके ही पैसे लगते हैं। अपने खास आदमी है। 30 लाख तुम्हारा, 70 लाख भाई का, फिल्म बन जाएगी 80 लाख में, नेट प्रॉफिट 10 लाख। मेरे कितने पैसे? 30 लाख। जामू के? 70। पिक्चर कितने में बनेगी? 80। तो प्रॉफिट 20। सॉरी, अकाउंट मिस्टेक। असलम से गेम नहीं खेलने का क्या? 30 लाख रुपया। अभी क्या करना पड़ेगा? ऑफिस खोलना पड़ेगा। पड़ेगा? अरे तुम लोग बोल तो रहे हो, मगर ये थोबड़ा चलेगा क्या? 100 डेज चलेगा भाई। ऐसा चेहरा मार्केट में नहीं है। अरे जो अलग दिखता है वही आजकल बिकता है। मैं समझा नहीं यार, तू क्या बोल रहा है? अब मैं क्या बोल रहा हूँ, शाहरुख होने के बाद भी पब्लिक ऋतिक को क्यों पसंद करती है? क्यों? क्योंकि आदमी पुरानी चीजों से उगता जाता है और नई चीजों से उठता जाता है। मतलब? ऋतिक से उसे वो सारी चीजें मिल जाती है जो शाहरुख से नहीं मिलती। चेंज, रेंज, आइटम, फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ यार, पब्लिक शाहरुख की फिल्म से ज्यादा ऋतिक की फिल्म क्यों देखते हैं? राइट। मिठास दोनों में है भाई, मिठास दोनों में है। शाहरुख शक्कर है तो ऋतिक गुड़। आजकल पब्लिक को गुड़ चाहिए और तुम गुड़ हो भाई। भाई तुम गुड़ हो। अरे गन्ने वाला गुड़ भाई। गन्ने वाला गुड़ रे। ठीक है भाई। नहीं मैं समझ गया, यानी कि पब्लिक पुराने चेहरों से पक गई ली। हाँ, उनको चाहिए नया चेहरा। राइट भाई, पब्लिक ने हीरो को भाई बनते बहुत देखा, अब पब्लिक भाई को हीरो बनते देखेगी। कभी नारियल फोड़ रहे है क्या? अरे स्टार्ट कभी कर रहे ला, बोलना यार। स्टार्ट, स्टार्ट। असलम भाई, क्या स्टार्ट हो रहा है भाई? भाई है ना, स्टार बन रहे। क्या बात कर रहे हैं, मुबारक हो भाई। लेकिन ऐसे ही सुखे सुखे। अरे तो ए काले, अबे गोरा हो गया तू? नहीं तो फिर जोर से बोलना। छट्टी के पास एक बक्सा बियर लेके आ, चल। क्या अरे नया हीरो तो क्या हुआ, एक बार पर्दे पे आएगा ना सबके गुर्दे ला डालेगा। नहीं नहीं, ये सिर्फ ओवरसीज राइट्स का, म्यूजिक राइट्स का वीजा अलग होगा। हाँ एडवांस भेज दो, ठीक है। हाँ हाँ, मुबारक हो असलम भाई, मुबारक हो। एक टेरिटरी क्लोज कर दिया। समझा नहीं? समझाने का टाइम नहीं है, पहले कास्टिंग कर लेते। हाँ
म्यूजिक किसका लेते हैं? दिलीप कैसा रहेगा? दिलीप? ए आर रहमान, पहले उसका नाम दिलीप था, मैंने चेंज करवाया। हेलो, हाँ दिलीप भाई, हाँ कपूर बोल रहा हूँ, कैसे हो? हाँ भाभी जी कैसी है? मजे में ना? सुनो ना, आजकल यार तेरे गाने सब एक जैसे लग रहे, हमारे यार इंडस्ट्री बहुत जल्दी भूल जाती है। हाँ अभी सुनो, अगले मैंने अपने को 4 गाने रिकॉर्ड करने गए। हाँ तो एक मिनट डांस कर ले तो क्या? हाँ हाँ दिलीप सुन, एक छैया टाइप भी डाल देना। नहीं 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 ना, इस बार ट्रेन पे नहीं करेंगे, बस पे करेंगे। हाँ ठीक है, मैं डायरेक्टर को भेज देता। ओके बाय। डायरेक्टर कौन? सूरज आदित्य जौहर बंसाली। चार था डायरेक्टर? 4 in 1, 4 हिट डायरेक्टरों का मसाला एक ही फिल्म में। क्या है असलम भाई, आपकी पहली फिल्म है, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। अरे आपकी फिल्म का तो मैंने टाइटल भी रजिस्टर करवा लिया है, सुपर हिट। फिल्म का नाम? बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट है। फिल्म का नाम तो है हम दिल वालों को बहुत कुछ होता है सनम। कैसा लगा? चलो ये सब कुछ तो हो गया, अब हीरोइन कौन सी लेंगे? हीरोइन ऐश्वर्या राय कैसी रहेगी? असलम भाई, ऐश्वर्या राय, व्हाट अ कॉम्बिनेशन है ना? हाँ ये ऐश्वर्या का घर है? तू देखा है क्या? नहीं। ये ऐश्वर्या का घर है, मैंने डील करवाया था, एकदम घर जैसा रिलेशन है। ओ किधर? इधर। पागल है क्या? अरे आप बहुत बड़े हीरो हैं, इतनी बड़ी फिल्म का हीरो हीरोइन से मिलता है, वैल्यू गिरता है। मैं एडवांस लेके अंदर जाता है, हीरोइन को बुक करता, फिर उसका मेकअप पहनाएगा, तुमको बुलाएगा। हाँ बैग दो। संभाल के हैं? अरे रोज का यार। सॉरी। ऐश्वर्या जी हैं? वो तो लंदन गई हैं, आप कौन? मैं आज कपूर के साथ आया हूँ। आज कपूर? वो कौन? हाँ, वो जो पैसे लेके अंदर आए हैं, उनको साइन करने। साइन करने? किसके साथ? हाँ, मेरे साथ। आपके साथ? जी। गेट आउट। असलम भाई आप यहाँ? अरे यार वो आज कपूर ने मुझे धोखा दे दिया ना, उसको बोतल तोड़ के घुसेड़ रहा था, पुलिस ने मुझे देख लिया, अब पुलिस मेरा पीछा कर रही है, इसलिए मैं छुपा हूँ। तू क्या कर रहा है? हाँ तू ये क्या कर रहा?
असलम भाई को जाकर दिखाया। अब आप इससे पूछे साहब, मेरे खून में एक्टिंग है, मैंने एक्टिंग करके बताया साहब, पूछे साहब, ऐसा कुछ नहीं है, इंसान है, इंसान की मजबूरी। पागल कहां से पकड़ के ले आओ, ले जा रहे साहब, सही बोल रहे हैं, पागल हो गया हूँ, आज कपूर ने मुझे बर्बाद कर दिया साहब, थैंक यू।